एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ ठीक है ना, अदर रेज। लेकिन आपने कैनाल रेज और कैथोड रेज दोनों पढ़ चुके हैं, अब डिस्कवरी ऑफ अदर रेज मतलब कैनाल और कैथोड को छोड़ करके अदर रेज में जो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी, वो एक्सरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरे, ब्रैकेट में से लिख लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ अदर रेज ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, एक्सरे पढ़ेंगे। एक्सरे के डिस्कवर कैसे हुई ये जान लीजिए आप, इसकी डिस्कवर जो होता है ठीक है ना, आपके एक साइंटिस्ट हैं रोइंटन, ठीक है ना रोइंटजन, और किस समय बताया था इन 1895, ठीक है ना, इन 1895 में इन्होंने क्या किया कि जो कैथोड बेटा मान लीजिए कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकल रही थी, जब ये कैथोड प्लेट से कैथोड रेज निकल रही थी, कैथोड रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल प्लेट पर, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मेटल जैसे टंगस्टन हो गया, डब्लू टंगस्टन, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल प्लेट पर जब कैथोड रेज गिरती है तो इससे क्या होता है, एक इनविजिबल रेज निकलती है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि इस रेज पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसी को कहा गया एक्सरे कहा गया। क्या कहा गया? एक्सरे कहा गया। फिर से सुनिए, कैथोड रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल प्लेट पर फॉल करती है तो उससे एक इनविजिबल रेज निकलती है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसी रेज को क्या कहा गया, एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता, लेकिन जो रेज आपका मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल से निकल रही थी वो रेज जो होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर से सुनिए, और इसको डिस्कवर किसने किया था, रोइंटजन नामक साइंटिस्ट ने इन 1895 में एक्सपेरिमेंट किया था। फिर से सुनिए, आपका जो कैथोड रेज जो होता है, कैथोड रेज जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल सरफेस पर फॉल करती हैं तो उससे एक इनविजिबल रेज निकलती है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन जिसका नहीं होता, उसी रेज को क्या कह दिया गया, एक्सरेज कह दिया गया। उस पर कोई चार्ज नहीं होता एक्सरेज पे, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं होता आपका, नहीं तो अगर चार्ज होता तो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता, डिफ्लेक्शन हो जाता, ठीक है ना, बस यही लिखना है इसमें। और किसी को कोई कन्फ्यूजन, बोलो बेटा, चलिए लिखाएं तो रोइंटजन इन 1895, ठीक है ना, रोइंटजन इन 1895, रोइंटजन इन 1895, सो दैट when electron strike a dense metal anode, या इसी को क्या कहते हैं, high melting point, ठीक है ना, metal anode in cathode ray tube, then X-ray are produced. Then X-ray are produced. ठीक है ना, X-ray can cause
फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, एक्सरे कैन काज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस फ्रेस्ट ऑफ एक्सरे आर नॉट, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर एक्सरे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर एक्सरे डू, they are neutral, नोट कीजिए, आगे मिटा, ऊपर वाला मिटा दे, थोड़ा सा नोट कीजिए, काफी कम लोग हो भाई। चलिए आगे देखते हैं, दे आर न्यूट्रल ठीक है ना। फुल स्टॉप। एक्सरेज है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत हाई होती है आपका। एक्सरेज है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट, देयर वेवलेंथ इज वेरी वेरी शॉर्ट, वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 0.1 nm, नैनोमीटर। लिस्ट ऑफ
दीज आर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ये आपके क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं, ठीक है ना, नोट कीजिए तब आगे बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, लाइट रेज भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ना। लाइट रेज भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है आपका। रेडियो वेव भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है आपका। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दोनों एक दूसरे के। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है घुसड़ जाना, बताए थे, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आपका पेनिट्रेशन का मतलब होता है, ठीक है ना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है बेटा आपका, जैसे आप पेनिट्रेशन का मतलब जैसे आर पार हो जाए। जैसे हमने कहा हमारे पास एक जो है मेटल की सीट है जिसकी थिकनेस जो है वो 4 मिलीमीटर है, और हमारे पास एक मेटल सीट है जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर है। तो आपका एक्सरे जो होता है वो आपका क्या कर जाता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि मेटल की प्लेट में एक्सरे जब मेटल की प्लेट में गिरे तो उसको क्रॉस पार कर जाए, आर पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, इस पार्ट पड़े बाहर निकल जाए आपका पीछे से, ठीक है ना। तो आर पार उसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है एक्सरे का कैथोड और कैनालिस से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, नोट हो गया सर, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, चलिए ठीक है। अब रेडियो एक्टिव रेज पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, अभी लिखिएगा नहीं क्यों समझिए, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और एक होता है रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, या इसी को हम कहते हैं आपका जो होता है बेकुरल रेज, रेडियो एक्टिव रेज, ऐसे को हम बेकुरल रेज कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिविटी एक आपका फेनोमेना होता है आपका, समझिए। जैसे क्या क्या, एक साइंटिस्ट है आपका बेकुरल, बेकुरल क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, आपका यूरेनियम का एक ओर था U3O8, इसको हम क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड, ठीक है ना, यूरेनियम का एक ओर है U3O8 पिच ब्लेंड, PITCH और BLENDE, ठीक है ना, पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक ओर है। इन्होंने देखा, ठीक है ना, ये आपका जो होता है एक फोटोग्राफिक प्लेट था, फोटोग्राफिक प्लेट था, या ग्लास ले लीजिए आप, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट या ग्लास में जब इन्होंने यूरेनियम को ऐसे रख पुट किया, U3O8 को पुट किया, तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम U3O8 को जैसे हम आपका ग्लास में या फोटोग्राफिक प्लेट में रख देते हैं तो ये आपका रेज क्या करता है, जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट को या ग्लास को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, फोटोग्राफिक प्लेट में रखते हैं तो उसको क्या कर देता है, फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं आप, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देता है। फिर इन्होंने क्या किया, कैसे डिस्कवर हुई रेडियो एक्टिव रेज की, फिर इन्होंने क्या किया, इस जो है पिच ब्लेंड जो ओर था इसको इन्होंने ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक पेपर में क्या किया, जो है आपका पिच ब्लेंड था जो यूरेनियम का ओर, उसको एक ब्लैक पेपर में जो है रख करके, जो है पैक करके इसमें रखा, तो दूसरे फिर जो है फोटोग्राफिक प्लेट में रखा, तो फिर देखा इन्होंने कि जब हमने ब्लैक पेपर में पैक कर दिया U3O8 को, फिर भी उसके बाद भी आपका जो है फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो ब्लैक हो जा रहा है,
फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जा रहा है? जो बेकुरल ने क्या किया कि U308 यूरेनियम का एक ओर है, इसको जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा तो देखा आफ्टर सम टाइम्स जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना, ब्लैक हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर यूरेनियम जो ओर था आपका पिच ब्लैक, उसको उन्होंने ब्लैक पेपर में लपेट करके फिर दूसरे फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा, तो देखा वो भी, फिर उसके बाद भी यूरेनियम को लपेट ब्लैक पेपर में लपेटने के बाद भी जब हम फोटोग्राफिक प्लेट में रख देते हैं फिर भी वो क्या कर देता है, क्या करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देता है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफिक प्लेट उसके बाद भी आपका क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। तो इससे उनको ये समझ में आया कि जो यूरेनियम का ओर है उससे कोई इनविजिबल रेज निकल रही है, जो यूरेनियम ओर था पिच ब्लैक उससे कोई इनविजिबल रेज निकल रही है जो फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक कर रही है और उसको ब्लैक कर दे रही है और ब्लैक पेपर से भी क्रॉस कर जा रही है। यानी कि जो यूरेनियम से जो रेज निकल रही है, ठीक है ना, यूरेनियम से जो रेज निकल रही है इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर भी है, तभी तो ब्लैक पेपर में जो लपेट देते हैं पिच ब्लैक को फिर भी जो रेज होती है उसे निकल करके फोटोग्राफिक प्लेट से क्या करती हैं, स्ट्राइक कर जाती हैं। तो उसी रेज को इन्होंने क्या कहा, रेडियो एक्टिव रेज। उसी रेज को क्या कहा, रेडियो एक्टिव रेज। और उसी रेज को क्या कहा गया, बेकुरल रेज को, किसके डिस्कवर, बेकुरल। और यह फेनोमेना क्या कहलाएगा आपका, रेडियो एक्टिविटी। यह फेनोमेना क्या कहलाएगा आपका, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे आपका, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है आपका, समझ लीजिए, रेडियो एक्टिव रेज क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियसली जो होता है किसी भी मैटर से, जो होता है स्पॉन्टेनियसली किसी भी मैटर से, जो स्वतः निकलता है, ये स्पॉन्टेनियसली जो होता है किसी भी मैटर से जो होता है, इनविजिबल रेज निकलती है। क्या होती है, इनविजिबल रेज निकलती है जिनके अंदर क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उसी इनविजिबल रेज को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। और इसी को बेकुरल रेज कहते हैं। इसकी डिस्कवर क्या, किसने की थी आप, ठीक है ना। तो आपका रेडियो एक्टिव रेज क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, द रेज स्पॉन्टेनियसली एमिट, ठीक है ना, फ्रॉम द मैटर्स विच हैव पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना, दैट रेज इज, और नेचर में होगा आपका, ठीक है ना, नेचर में होगा। तो रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है, ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज क्या हो जाएगा आपका, द रेज स्पॉन्टेनियसली, द रेज स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है ना, फ्रॉम द मटेरियल इन नेचर, दैट रेज इज नोन एज, विच हैव पेनिट्रेटिंग पावर, दैट रेज इज नोन एज आपका जो है रेडियो एक्टिव रेज। इट इज डिस्कवर्ड बाई फ्रेंच केमिस्ट साइंटिस्ट बेकुरल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकुरल रेज, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना, द रेज, देखिए, द रेज स्पॉन्टेनियसली there is spontaneously produced from
मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल इन नेचर इन इन नेचर ठीक है इन नेचर नेचर विच है इन नेचर विच है विच है हाई पेनिट्रेटिंग पावर विच है हाई पेनिट्रेटिंग पावर विच है हाई पेनिट्रेटिंग पावर ठीक है ना विच है हाई पेनिट्रेटिंग पावर विच है हाई पेनिट्रेटिंग पावर ठीक है ना ठीक है ना हाई पेनिट्रेटिंग द रेज स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल इन नेचर ठीक है ना विच है हाई पेनिट्रेटिंग पावर दैट रेज That rays is known as known as radioactive rays. That is known as radioactive rays. ठीक है ना radioactive rays. ठीक है ना This is discovered by French chemist scientist. French scientist Henri Becquerel. So it is also called Becquerel rays. और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड दिस फेनोमेनन फेनोमेनन इज नोन एज एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी और इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे रेडियो एक्टिविटी नोट कर लीजिए ठीक है ना और ये रेज कैसी होती है इनविजिबल होती है इसको नोट कर लीजिए तब लिखाते हैं अलग से जल्दी नोट कीजिए हो गया बेटा चलिए आगे देखते हैं तो रेडियो एक्टिव रेस और ठीक है ना
टिप्स में लिखिए, जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को लिख लीजिए, बस जाने रहिए, थोड़ा नॉलेज के लिए आपके हो जाएगा। हालांकि बहुत हमने सब कुछ बता ही दिया है, तो लिखिए रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड, थोड़ा तेजी से लिखिए, डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी वेकुरर, ही ऑब्जर्व दैट, मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर कैसे हुई, क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे होता है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर हुई, ठीक है ना। तो वही हम पढ़ रहेंगे टिप्स में, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी वेकुरर, ही ऑब्जर्व दैट यूरेनियम ओर कौन सा था, U3O8, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड, ठीक है ना, यूरेनियम ओर डार्केन, ठीक है ना डार्केन 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 दी डार्केन दी फोटोग्राफिक प्लेट डार्केन दी फोटोग्राफिक प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट डार्केन दी फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना, रैप इन ए ब्लैक पेपर, ठीक है ना, रैप्ड इन ए ब्लैक पेपर, इट वॉज फर्दर रैप्ड इन ए ब्लैक पेपर it was further observed that the observe that the photographic plate कट गया क्या बेटा, चलिए चलिए, हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट गेट डार्केन, ठीक है ना, गेट डार्केन बाय यूरेनियम ओर darkened by uranium ore and its salt too, ठीक है ना, from this experiment from
दिस एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वॉज कॉन्क्लूडेड that uranium it was concluded that uranium नोट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर का और लिखना पड़ेगा। concluded that uranium ore and its salts ठीक है ना, यूरेनियम और एंड इट्स साल्ट इमिट्स एंड इट्स साल्ट इमिट्स सम इनविजिबल रेज some invisible rays which penetrate through the black paper and affect, ठीक है ना, and affect the photographic plate. Affect the photographic plate. Affect the photographic plate. These invisible rays. Penetrating rays are called radioactive rays or Becquerel rays. ठीक, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ें। थे
हाँ अब बेटा जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो तीन टाइप की होती है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा आपका न्यूट्रल होता है। तो रेडियो एक्टिव रेज जो आपका यूरेनियम से जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही थी तो वो एक ही टाइप की रेज नहीं निकल रही थी, उससे कई रेज निकल रही थी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तीनों रेज। कुछ रेज निकल रही थी अल्फा आपका पॉजिटिव, बीटा आपका नेगेटिव, और आपका कैसे जाना गया कि जब यूरेनियम से आपका जो यूरेनियम आपका जो ओर था, यूरेनियम का जो ओर था फिजब्लेट, उससे जो रेज निकल रही थी फिर उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई। जैसे कैथोड इसकी डिस्कवर हुई उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई, तो ऐसे जब रेडियो एक्टिव रेज की डिस्कवर हुई तो फिर रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी की स्टडी की गई कि रेडियो एक्टिव से जो रेज निकल रहा है वो पॉजिटिव रेज है कि निगेटिव रेज है कि न्यूट्रल होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई रेडियो एक्टिव रेज की। कैसे की गई इसको आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा, तो आगे बताएं। नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना। इसके बारे में बेटा हम जो है आपको जो है नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, हो नहीं पाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज जो है हम आपको आज इवनिंग में डिस्कस करेंगे या जो है हम कल डिस्कस करेंगे। अगर हमें पढ़ाना होगा इवनिंग में तो हम मैसेज कर देंगे आपको, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो भी पढ़ाया गया अगर कुछ ना समझ में आया हो बेटा, बीटा रेज होता है, अल्फा बीटा गामा रेज, अभी पढ़ेंगे, अभी डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम से समझाएंगे। बेटा शिवम पटेल, बेटा सन, अल्फा बीटा गामा, बेटा नहीं है, बीटा है बेटा, बीटी बेटा। थैंक यू क्लास।